आज जो आपकी यार सक्सेस की डेफिनेशन है उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दो। बस तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए और खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि जो तुम्हें एनवायरनमेंट सोसाइटी बता रही है कि तुम फलाना चीज नहीं कर सकते वो गलत है। हर मिनट जो आप यार लूज कर रहे हो कहीं पे, आपने इधर वेस्ट कर दिया, दोस्तों से बात कर ली, फ्रेंड को कॉल कर लिया, व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, उस हर एक टाइम में लाखों बच्चे हैं जो शायद पढ़ रहे होंगे। कमरा बंद करो, किसी को अंदर आने मत दो, बैठ के लग जाओ पढ़ने, 10-12 घंटे निकालो एक बार में, टाइम टेबल को फॉलो करना है, 10 दिन बाद पेपर आने वाला, तुम्हें पता है किस चीज को बोलना है। आपने नोटिस किया कि आप पढ़े जा रहे हो, फिर किसी कारणवश आप उठ के चले गए और फिर देख रहे हैं यार 2 घंटे बाद लौट के आ रहे हैं, 3 घंटे बाद लौट के आ रहे हैं, ठीक है कहीं और ही बिजी हो गए। तो ट्राई करो जो आपने अपना सर्कमफेरेंस बनाया ये कमरा, इसके बाहर आप ना निकलो किसी भी रीजन से। आज जैसे बैठ रहे हो तो ये आपकी लाइट है, ये ऑन करो, ये लाइट ऑन करोगे आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि हाँ यार अब मैं पढ़ने बैठा, एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि हम दिमाग को हर टाइम फीड करते जा रहे हैं तो वो रिटेन तभी करेगा अगर एक प्रॉपर नींद होगी। डर लगना, एंग्जायटी लगना यार काफी नॉर्मल है, सबको लगता है, ये ना लगे वो एक अबनॉर्मल चीज है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए यार कि मेरे और मेरे गोल के बीच में 50 लोग भी आ गए ना बंदूकों के साथ, तोपों के साथ, तब भी मैं उन्हें लकड़ी से मार के भगा दूं। फेलियर हम सहज समझते हैं, लाइफ में कोई ऐसा चमाटा सा आएगा, हम नीचे गिर जाएंगे, फिर हमें उठना पड़ेगा। नहीं यार, आप कुछ बस चीजें कम अच्छे से करते हो या कुछ गलत हो जाती है, उनसे आप कुछ सीख लेते हो और नेक्स्ट टाइम आप उन्हें रिपीट नहीं करते हो, और नेक्स्ट टाइम आप एक अच्छे बेटर होते हो, जो आज हूं कल उससे बेहतर हूं, अगले दिन उससे बेहतर हूं, और ऐसे ऐसे आप बस काम करते जाते हो। आप अपने आप पे कब ट्रस्ट करोगे, जब आप खुद को ये जवाब दे पाओ कि यार हाँ मैं अपना 100% देता हूँ हर चीज में, वो चीज निकले ना निकले वो आपके ऊपर नहीं है, पर आपने अपना 100% दिया। जहां पे आप टेबल कुर्सी पे बैठ गए ना, आप यूं समझ लो आप 90% कॉम्पिटिशन से जीत चुके हो। बहुत एफर्ट लगता था यार इस टेबल कुर्सी पे बैठने में, पर यार हमें पता है कि इस पे एफिशिएंसी कितनी ज्यादा आती है, नींद नहीं आती। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हो क्या मेरे 95% आ पाएंगे, तब एक सवाल ये भी पूछ लिया करो साथ में, क्या मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। यार वो सिलेबस है ना डिफाइंड है, उस सिलेबस को एक कोने से पकड़ के जब करना स्टार्ट करोगे वो खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे आप पढ़ते जाओगे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं ये चीज निकाल दूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक गुरुजी थे और गुरुजी के दो शिष्य थे, तो उन दोनों को उन्होंने लैंप दे दिया। अब लैंप की लाइट कितनी जाती है, 2-4 फीट आगे तक, अरे अंधेरे में। तो उन्होंने कहा था यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है कोई पर्टिकुलर मंदिर तक, तो उनमें से एक तो बोला मेरे को तो आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो वो वहीं खड़ा रह गया, और एक था जो कि वहाँ से जाके वापस भी आ गया। तुम्हें एक बार में 1 step at a time देखा है, तुम्हें 2-3 कदम आगे का दिख रहा है, तुमने 2-3 कदम लिए, फिर तुम इतने आए तुम्हें और आगे का दिखने लग गया, फिर तुमने 2-3 कदम लिए, फिर तुमने और आगे के लिए, फिर तुम्हें और ऐसे ऐसे करते करते तुम पहुंच गए। या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, और ये चीज तुम अप्लाई कर सकते हो हर फील्ड में। ये वाली जिंदगी मेरे को चाहिए, ठीक है, ये जो मेरा विजन है ये मेरे को करना है, और उसके लिए जो छोटी सी दिक्कत है जो मुझे आज के दिन बहुत बड़ी लग रही है इसको मैं फोड़ूंगा। यार मेरा लाइफ में विजन है, उस विजन तक अगर मुझे पहुंचना है ये मेरी जर्नी होने वाली है, कुछ इस बात को ब्रेक करता हूँ, ये मेरा पहला टास्क है, इस टास्क को मैं फोड़ूंगा, ये टास्क जब फोड़ेगा तब मैं नेक्स्ट टास्क को फोड़ूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टास्क को फोड़ूंगा। हो सकता है इस जर्नी में कभी कभी आप खुद भी फुड़ जाओ, पर यार लेट के गिरना नहीं, दोबारा उठेंगे, दोबारा अटेम्प्ट मारेंगे, उस चीज को फोड़ेंगे। मेरा गोल है कि यार जब आप छोटे 10वीं क्लास में थे, कुछ सिस्टम आए थे गंदे, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे 10वीं क्लास में, और आपका टीचर आपको, हम टीचर को शिकायत करते थे, टीचर बोलता था कुछ ऐसा कर लेना कि तुम सिस्टम को बदल दो, खुद बड़े ऐसे बनो कि वहाँ पे जाके रूल्स बदल देना। तो तुम एजुकेशन एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कूल रहना है, कूल मतलब पॉजिटिव इन द सेंस, हर जगह छाप दो कि यार मैं 97% फोड़ूंगा, मैं 95% फोड़ूंगा, मैं फोड़ के आऊंगा बोर्ड एग्जाम, ये हर जगह लिख लो, अपने डेस्क पे लिख लो, अपने लैपटॉप के ऊपर लिख लो, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, दीवार अगर अलाउड नहीं गंदी करने के लिए उसके ऊपर लिखो, अपने बैग के ऊपर छापो, दिन में 20-25 बार अपने आप को ये बोलना है। फालतू का प्रेशर नेगेटिविटी अपने तरफ नहीं आने देंगे। कल जो आप थे उससे आज हम बेहतर होंगे, यही है यार लाइफ। आधे से ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, अगर आप उसमें से निकल गए तो आप ऑलरेडी विनर हो, समझ रहे हो? आपने डिस्ट्रैक्शंस काट दिए हैं और अब आप पूरे टाइम अपने आप को बोल रहे हो कि मैं फोड़ूंगा, तो दिमाग के अंदर अब क्या चलेगा, यही तो चलेगा। सोनी के जो फाउंडर थे 1908 में पैदा हुए था आई गेस, उन्होंने एक ऐसा गोल अपने लिए रखा जो खुद सोनी से बड़ा था। उनका गोल ये नहीं था कि मैं सोनी को क्वालिटी के लिए जानना, उनका था कि मैं जापान को क्वालिटी के लिए जनवाऊंगा। मैं यार शायद किताबें पसंद नहीं होंगी और मेरा शायद पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, पर मेरे को वो आगे वाली चीज चाहिए और उसके लिए मैं आज इसे भी प्यार करूंगा, दवाई खा के समझ जाऊंगा, इसको उखाड़ूंगा फोड़ूंगा, जिससे कि मैं कल उस चीज को फोड़ सकूं।
लाइफ में यार बहुत लोग हैं, सब जी रहे हैं, पर अपनी मन की जिंदगी बहुत कम जी रहे हैं। और उसके लिए यार हमें वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज सुनना चाहते हो भैया लाइफ बहुत हार्ड है, हाँ लाइफ हार्ड होती है, हमें बस ये तरीका जानना है कि यार कैसे उस हार्डनेस में हमें अपना एंजॉयमेंट निकालना है।